राम राम, जय श्री राम। बाबा साहिब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। समय हो गया है 1:52। इतनी देर खाली नहीं बैठा हूँ, यहीं हूँ और लगातार कुछ ना कुछ कर किया जा रहा है। इसको खोदा है, पत्थर निकाले हैं, गंदगी को किनारे किया है। अभी और मेहनत करनी होगी इसे खूबसूरत बनाने के लिए। पाइप्स लगा दिया गया आज तो, क्योंकि एनर्जी नहीं है बॉडी में, इसलिए उसके द्वारा भरा जा रहा है। राम राम। सुबह के 6:48 और आज की घटा और छटा और दिन से न्यारी है। खूबसूरत सुबह है, सूर्यदेव अपने मार्ग पर हैं। आज मंगलवार, बाबा सादगी के उपवास का दिन, लेकिन हल्के फुल्के कार्य बहुत होते हैं। बर्तनों को चमकाना, रसोई को साफ करना, सब कुछ करना और होगा। तो अभी शुरू करते हैं अपना कार्य। राधे राधे। 11:23 सुबह से लगा हुआ हूँ और अब हुआ हूँ फ्री अपनी वीकली शॉपिंग के लिए। क्या क्या किया? नहाया धोया, पूजा अर्चना की और रसोई चमकाई, चूल्हा चमका दिया है, बर्तन सब धो सारे धो दिए हैं और स्टोर में लगा दिए हैं। कल सग्यान यानी कि त्यौहार है, बसंत पंचमी है, मिट्टी और गोबर भिगा दिया है। झाड़ू, कपड़े बाहर रखना, अभी सब अंदर रख दिए हैं क्योंकि मौसम जो है थोड़ा सा अपना मूड बदल रहा है। दादाजी के मंदिर को बंदरों ने उथल पुथल कर दिया था, आज सुबह आया उसे ठीक किया और वहाँ जलाई है धूप। अगर दिया जलाता बंदर आते, हो सकता है कि उसमें आग लग जाती, इसलिए सिर्फ धूप जलाई है और दादाजी को प्रभु आराध्य को नमन किया है। ये खेत सूखा सूखा है, 22 दिन बाद इसमें जो है अंकुर निकलने शुरू होंगे। कल भी बिजी शेड्यूल है, कल जाना है तभी बताएंगे, थोड़ा सस्पेंस में रहिएगा। कल जाना है, वो परसों को वीडियो रिलीज होगा। तो अब जा रहे हैं बाबा सादगी अपना वीकली बाज़ार करने के लिए, साप्ताहिक बाज़ार जा रहे हैं। कुछ भूल जाऊँ तो याद दिला देना मित्रों। राधे राधे। क्रोध, क्रोध हर किसी को आता है, उसकी वजह हम खुद नहीं होते हैं, दूसरा व्यक्ति होता है। तो क्रोध बचपन से अभी तक यानी कुछ दिन पहले तक यही सीखा था कि जब हमें क्रोध आता है उसको निकालने के 3 तरीके हैं। पहला है, सामने वाले के कान पे एक रसीद कर दो। नंबर 2, अप शब्दों का उपयोग कर अपने क्रोध की ज्वाला को शांत कर लो। तीसरा, बस नहीं चलता है ना मारने का ना अपशब्द कहने का, तो आंसू निकाल के रो जाओ, तो उससे क्या होगा, क्रोध निकल जाएगा। किंतु अब बाबा सादगी ने पाया है चौथा अनुभव। यदि क्रोध आता है तो प्रभु को याद करो और दुर्वासा ऋषि शांत हो जाते हैं। तो बाबा सादगी दुर्वासा के साथ में रहता है और अक्सर दूसरे लोग बाबा सादगी का दुर्वासा को जागृत कर देते हैं। बहुत सोचा प्रभु से, बोला प्रभु राह दिखाओ, तो उसने कहा, प्रभु ने कहा कि आजा मेरे श्री चरण में, नाम जप और तेरा दुर्वासा शांत हो जाएगा। तो राधे राधे, राम राम, हर हर महादेव, जय जय गणपति देवा, कुछ भी कह लो और जो है दुर्वासा शांत हो जाते हैं। तो अभी जा रहे हैं अपने शॉर्टकट फेवरेट रास्ते से और शॉपिंग करेंगे, फिर देखें क्या क्या लेते हैं, बताएंगे आपको। तब तक के लिए राधे राधे। 12 बज गए हैं और पहुंच गए हैं मार्केट में। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवाना है, बया। और आ गए हैं अपने बाल्मीकि आनंद भाई की दुकान में और यहाँ से ली जा रही है 2 सुइयां बड़ी वाली, और देख लिया है ये धागा रोल।
फोटोग्राफर को ढूंढने जरूरत नहीं पड़ी है, हमारे भाई ही मल्टीपर्पज टास्क कर यानी कि काम करते हैं, तो यहीं खिंचा जाएगी अपनी पासपोर्ट साइज फोटो। सर सामान दिया गुरु, बताओ सर। सरसों का तेल 1 किलो, गुड़ और 1 लीटर तिल का तेल। एक ताला भी ले लिया है क्योंकि वॉशरूम का ताला खराब हो चुका है। ये है मित्र की दुकान में सब्जी लेने के लिए, टमाटर ठीक है जी। और आपके टमाटर 2 बजे घर पहुंच चुका हूं और अब आनंद लिया जाएगा साप्ताहिक चाय का। चाय चूल्हे पर तैयार हो रही है। आज बजरंगबली ने 2 मित्रों को भेज दिया है तो चाय बन रही है थोड़ा ज़्यादा, और उन्हें बता दिया है कि चाय यदि पीनी है तो नियम होगा बाबा सादगी का गुड़ो कटक। तो हम तो करेंगे, शाम को होगा राधे राधे, अभी तो हम चिप्स जलपान कर रहे हैं साप्ताहिक चाय का आनंद लेने का। 2:32 और बाबा सादगी आ गए हैं अपने मकान की छत पर। त्रिपाल यहाँ वहाँ से उड़ रहा है, पत्थर खिसक रहे हैं। एक पत्थर रात को नीचे गिर गया था, लाए हैं इसकी नायलॉन की रस्सी। एक बार फिर मस्तिष्क का सदुपयोग कर इन पत्थरों को आपस में बांध के इस प्रकार से रखा जाएगा ताकि त्रिपाल उड़े नहीं, खिसके नहीं और पत्थर नीचे गिरे नहीं, ताकि किसी को शारीरिक कष्ट पहुँचे उससे पहले ही जो है इसे कर देना उचित है, प्री प्रिकॉशन। हमारे सिद्ध अक्सर भाई सोचते कुछ नहीं होता है, लेकिन बाबा सादगी कभी नहीं सोचता कि कुछ नहीं होता है। बाबा सादगी कहता है होने से पहले ही रोक दो। तो शुरू करते हैं अपना कार्य। ये भाई आ गए हैं, इनकी विशेषता है बताऊंगा बाद में मौके पे। अभी आप देख रहे हैं पत्थर खिसकाए जा रहे हैं, इससे क्या होगा बोला? इसके ये पत्थर ऐसा रहेगा तो ये पानी अंदर आएगा। अच्छा अच्छा, ये पत्थर होना चाहिए ऐसे अंदर लगने चाहिए ये। आहा, ये पत्थर होते हैं, ये सारे पत्थर इधर पूरे घसक गए हैं तो ये पानी पूरे अंदर आ रहा है इसके। ठीक ठीक ठीक, पानी नहीं आना चाहिए अंदर। ये आपका ये मकान का ये पूरे पत्थर हिल गए, ये लगे रखो, ये झाड़ उगने चालू हो गए हैं, पेड़ ये जड़ रहेगी, जड़ खराब कर देगी ये पत्थरों को। ठीक ठीक ठीक, आज एक नई चीज़ सीखने को मिली है पत्थरों के बारे में, तो छत पे आने का और छोटे भाई को इनवाइट करने का कि प्लीज़ आओ भैया थोड़ा सिखाओ बताओ, तो एक नया ज्ञान जीवन में, नया अनुभव। अभी आप देख रहे हैं ये नेट बांध दिया है, ये बाबा सादगी के मस्तिष्क की उपज है। इसमें से कोई भी पत्थर यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता है क्योंकि सबको एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ से इस पत्थर से और उस पत्थर को कनेक्ट कर दूंगा तो और भी मजबूती आ जाएगी। जीवन में पहली बार मकान की छत पर चढ़ा हूँ, पहले डर रहा था क्योंकि घुटना थोड़ा प्रॉब्लम करता है, लेकिन फिर हिम्मत कर ही ली है तो अब थोड़ा सा मन को सुकून है। टपका आएगा या नहीं आएगा वो बात की बात है, हमारा काम है प्रयास करना। तो अभी जो बताया है कि इसको इससे उससे कनेक्ट करूँगा, उसे करूँगा कनेक्ट, उसके बाद नीचे उतर जाऊँगा। राधे राधे, नज़ारा देखेंगे ऊंचाई पे आके तो आनंद ही कुछ और आता है। ये हमारी देवभूमि है, देवभूमि उत्तराखंड। हरियाली हरियाली है लेकिन जीवन बहुत कठिन है यहाँ पे। 3:23 और त्रिपाल के ऊपर नेट तैयार कर दिया है। गिरेंगे तो सब गिरेंगे, नहीं तो एक भी नहीं गिरेगा। तकनीक यदि अच्छी लगी हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं है। राधे राधे। शाम के 7:35 श्री चरणों में सिर झुकाकर आ गया हूँ और अब है बजरंगबली के भोग की तैयारी। आज बनाया जाएगा आटे का हलवा, सो गुड़ को गर्म होने के लिए तैयार कर दिया, यानी कि रस, गुड़ का रस बनने का तैयारी शुरू हो चुकी है।
ये है अपनी चांदी सी चमकती हुई कढ़ाई और तवा भी तैयार है, आटा भी तैयार है। तो अब करते हैं भोग की तैयारी और उसके बाद होगा अपना राधे राधे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय देवभूमि उत्तराखंड। भारत माता की जय। जय हिंद।